पारिवारिक कला, यस बैंक पर मालिकाना हक पर संग्राम, यस बैंक के दिन पर दिन गिरते शेयर, यस बैंक पर लगा हुआ करोड़ों रुपए का जुर्माना, कॉपरेटिव ग्राहकों का दिवालियापन, यस बैंक की घटती रेटिंग, यस बैंक के मार्केट कैप में लगातार गिरावट, ये वो सभी कारण हैं जिसने यस बैंक के ग्राहकों को आधी रात को यस बैंक के एटीएम के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। यही वो सारी वजह है जिसके चलते आधी रात को यस बैंक में अपना पैसा महफूज समझने वाले ग्राहक घबरा गए और अपनी चैन की नींद छोड़कर बेचैन होकर यस बैंक के एटीएम के सामने खड़े हो गए और एटीएम से पैसे निकालने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए। लेकिन एक ऐसा बैंक जिसे देश का चौथे नंबर का सबसे बड़ा निजी बैंक माना जाता था, एक ऐसा बैंक जिसके 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेस पूरे देश में हैं और 1800 एटीएम हैं, एक ऐसा बैंक जिसने स्पेशल महिलाओं के लिए यस ग्रेस ब्रांच चलाई, जिसमें न सिर्फ पूरा स्टाफ महिलाओं का था बल्कि महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोडक्ट भी थे, एक ऐसा बैंक जिसकी देश में 30 से ज्यादा यस एसएमई ब्रांचेस भी हैं, जो एसएमई को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मुहैया करवाते थे, वो बैंक अचानक डूबने की कगार पर पहुंच गया। यस बैंक जिसे औसत से ज्यादा ब्याज देने के लिए जाना जाता है, उसके आखिर इतने बुरे दिन कैसे शुरू हो गए कि न सिर्फ आरबीआई को यस बैंक के प्रशासनिक ढांचे को भंग करना पड़ा बल्कि इसके नीलाम करने तक की नौबत आ गई। और जिस बैंक में अपनी जमा पूंजी रखने वाले ग्राहक बेफिक्र रहते थे, वही ग्राहक आज अपनी जमा पूंजी बैंक से निकालने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एसबीआई यस बैंक की नैया पार लगाने के लिए सामने आया है, लेकिन बैंकिंग के आसमान में सबसे तेज चमकने वाला सितारा यस बैंक आखिर गर्दिश में कैसे जा पहुंचा? यस बैंक के बुरे वक्त की शुरुआत राणा कपूर के सामंती माहौल और आपसी कलह से होती है। दरअसल बात ज्यादा पुरानी नहीं है। साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। 2008 में 26/11 के मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई। उसके बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच में बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी के लिए बोर्ड में जगह चाहती थी। मामला मुंबई की अदालत तक पहुंचा, जिसमें जीत राणा कपूर की हुई। राणा कपूर की इस जीत के बाद यस बैंक पर मालिकाना हक के लिए शुरू हुई इस लड़ाई पर कुछ समय के लिए विराम लगा और रणवीर गिल को बैंक के एमडी के तौर पर अपॉइंट किया गया। अभी हालात थोड़ा संभल ही रहे थे कि इसी दौरान कॉपरेटिव गवर्नेंस से समझौते के मामले सामने आए और बैंक कर्ज की चपेट में आ गया। धीरे धीरे वक्त बदला और प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। बैंक के जिन शेयर्स को राणा कपूर हीरे मोती बताते थे, 2019 में उन्हीं शेयर्स को बेचने की नौबत आ गई। ऐसे में बैंक में राणा कपूर और उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.72 रह गई। इधर यस बैंक के ग्राहकों की लिस्ट में रिटेल से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्राहक रहे। यस बैंक ने जिन कंपनीज को लोन दिया उनमें अधिकतर घाटे में रही कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई, लिहाजा लोन वापस मिलने की गुंजाइश कम हो गई। ऐसे में जब कंपनियां डूबने लगी तो बैंक की हालत भी पतली हो गई। यस बैंक पर वक्त और हालात की मार यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यस बैंक को एक के बाद एक बड़े झटके लगने शुरू हो गए। यस बैंक इन झटकों से धराशायी हो गया। एक तरफ रिजर्व बैंक ने बैलेंस शीट की सही जानकारी न देने का हवाला देकर यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को 31 जनवरी को उनके पद से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ बैंक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर स्विफ्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने यस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। बता दें कि मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बैंक के लेन देन के लिए करते हैं। यस बैंक पर संकट के बादल तब और गहरा गए जब 2019 में मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग को घटा दिया और बाजार में यस बैंक की छवि को गहरा धक्का लगा। सितंबर 2018 में जहां यस बैंक का मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास था, वहीं 90 से ज्यादा घट गया। अगस्त 2018 में बैंक के शेयर का प्राइस करीब 400 रुपए था, जो नकदी की कमी के चलते
फिलहाल 18 रुपए के आसपास है। आज बैंक के शेयर 50% से भी ज्यादा नीचे काम कर रहे हैं। फिलहाल तमाम पाबंदियों के बीच RBI इस बैंक के बही खातों एसेट क्वालिटी का मूल्यांकन करेगा और इसके बाद तय करेगा कि आगे क्या किया जा सकता है। उम्मीद है कि 30 दिनों के भीतर ये तय कर लिया जाएगा कि देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक का मर्ज होगा या फिर टेक ओवर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।